हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि एक्चुअली ब्लीच है, पूरी तरीके से नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं वो क्या है। मेरे पास है ये आयुर्वेदा का ब्लीच है, ये टैंड डी टैंड ब्लीच है ये। क्योंकि कई लोगों ने पूछा भी था मुझसे कि डी टैनिंग के लिए मतलब कोई ऐसा ब्लीच जो डी टैन करता हो या कोई फेशियल, तो ये जो ब्लीच है ना ये स्पेशली टैनिंग के लिए, टैनिंग रिमूवल के लिए बनाया गया है, टैनिंग को रिमूव करता है ये डी टैन ब्लीच है ये। ये मिल्क और हनी से मिलकर बना है, इसमें टर्मरिक है, सैफरन है, मतलब बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है इससे। ये आपके स्किन से डार्क स्पॉट्स को हटा देता है, रिंकल्स को दूर करता है, आपके एजिंग के जो साइन होते हैं उनको हटाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को फेयर बनाता है और सनबर्न सन टैन को तो दूर करता ही करता है। तो ये ब्लीच का प्राइस मैं आप बता दूं आपको, ब्लीच का प्राइस है 75 रुपीज़। और इसका जो सबसे अच्छी बात इसकी है वो ये है कि इसमें आपको एक्टिवेटर जो है वो अलग से नहीं ऐड करना होता है। क्योंकि हम जो नॉर्मल ब्लीच यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि हमें एक्टिवेटर अलग से यूज़ करना होता है। कभी कभी लोगों को ना क्वांटिटी मालूम नहीं होती है, उन्होंने ज़्यादा यूज़ कर दिया तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, आपका फेस जल सकता है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है फेस पे, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। पर इस ब्लीच के साथ आपको ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें एक्टिवेटर मिला हुआ आता है, आपको अलग से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपने इसको निकालना है और यूज़ कर लेना है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो ब्लीच है ये आप अपने हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, अपने नेक पे अप्लाई कर सकते हो, अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये ब्लीच बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब हेयर्स के लिए, फेस के लिए तो है ही है। तो अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है, आपके हैंड्स पे, आपके नेक पे हो गई है, इनफैक्ट आपके पैरों पे हो गई है, तो भी आप ये ब्लीच इजीली अप्लाई कर सकते हो अपने पैरों पर, जहां पर भी टैनिंग हुई है। क्योंकि ज़्यादातर हमें टैनिंग सनबर्न की प्रॉब्लम वहीं होती है जहां हमारा स्किन, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा सन के कांटेक्ट में आता है। तो अब मैं बात करूंगी इसके डेमो की, इसका रिव्यू तो हो चुका। तो ये देखिए, ये इस तरीके का बॉक्स है, ये छोटा है, सेल्फ लाइफ इसकी 23 है, एंड कितने ग्राम का है ये, 40 ग्राम का है, 40 ग्राम्स का है ये पैक, जो कि 75 रुपीज़ का है, बड़ा पैक भी आता है। तो इस तरीके की पैकेजिंग है, ये पर्पल कलर का इसका लिड है, ढक्कन। अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं है ऐसी। नॉर्मल जो भी हम ब्लीच यूज़ करते हैं वो आप फेस पे लगाओ तो उसकी इतना तेज उसमें झाग होता है, मतलब उसकी स्मेल जो होती है ना वो हमारी आँखों में, हमारे नाक में भर जाता है। पर इसके साथ ऐसा नहीं, बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी, तो वैसा ब्लीच जैसा कुछ भी नहीं है। इसे मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो इस तरीके से सिर्फ आपको किसी तरीके के एक्टिवेटर की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने हाथों पे अप्लाई कर सकते हैं और हाथों से भी कर सकते हैं, ब्रश की भी ज़रूरत नहीं है। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, इसमें किसी तरह का पैराबेन या सिलिकॉन नहीं है, फ्री है ये, पैराबेन फ्री है। बहुत जैसे कि ब्लीच में नॉर्मल हर ब्लीच में होता है, तो हल्की सी इचिंग होगी आपको आपके फेस पे या हैंड्स वगैरह पे जहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आपको किसी एलर्जी वगैरह है तो आप एक बार चेक कर लें अपने कान के पीछे या यहाँ पे लगा के, अगर आपको एलर्जी वगैरह है तो। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है और आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही हैं कि बहुत ही नेचुरल होते हैं उनके प्रोडक्ट्स। तो
काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबके सामने इसका रिव्यू करना चाहिए कि स्पेशली ये टैनिंग के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि समर्स में केयर आप कितना भी करो टैनिंग हो जाती है जो लोग बाहर जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये ब्लीच। लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी ब्लीच आप करते हो तो आप कम से कम 15 दिन 20 दिन का गैप रखें ब्लीच करने में। ऐसा नहीं है ब्लीच आप वीक में दो बार नहीं कर सकते हो, ब्लीच आप वीक में एक बार भी नहीं कर सकते हो, कम से कम 15 दिन का गैप तो आपको रखना ही रखना है। अब इसे आपको लगा के कम से कम 15 मिनट ऐसे ही वेट करना है, 15 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद आपने अपने हाथों को क्लीन कर लेना है या अपने फेस पे या कहीं भी अप्लाई किया है तो क्लीन करना है। एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि मैंने अपने हैंड्स पे उस टाइम मैंने बताया नहीं था, हैंड्स पे मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया, मेरे हैंड्स क्लीन थे, तो जब कभी भी आप ब्लीच अप्लाई करो तो आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो, चाहे वाइप से या फिर मिल्क से, क्लिंजिंग मिल्क वगैरह है तो आप, या आप अपना फेस धो के आ जाओ उसके बाद अप्लाई करो, लेकिन फेस अच्छे से क्लीन होना चाहिए, या जिस भी एरिया पे आप ब्लीच अप्लाई कर रहे हो उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेना, उसके बाद आप ब्लीच अप्लाई कर सकते हो। तो हम 15 मिनट्स वेट करेंगे, इसके बाद मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। सो 15 मिनट हो चुके हैं, अब ये देखिए, अब आप इसे वॉश करने से पहले इस तरीके से आपने सर्कुलर मोशन में रब कर लेना है, हाथ पे, फेस पे, नेक पे, जहाँ पे भी अप्लाई किया हो आपने, तो उसे धोने से पहले इस तरीके से आपने रब कर लेना है, बहुत ही लाइट हाथों से सर्कल सर्कल करना है, सर्कुलर मोशन में रब कर लेना है। ये देखिए, अब मैं इसे आपको अच्छे से क्लीन करके दिखाती हूँ। आप मेरे हाथ देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ से मैं, यहाँ से मैंने क्रीम अप्लाई की थी, इस तरफ का हिस्सा आप देखिए और इस तरफ का पार्ट देखिए, कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मतलब इंस्टेंट फर्क नजर आएगा आपको, बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो होता है इससे, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छी है। और तो ब्लीच के बाद आपको अपने हाथों पे कोई अच्छा सा हैंड क्रीम यूज कर लेना है या फिर मॉइस्चराइजर। मेरे पास ये है ग्रीन टी गुड वाइब्स का, ये मैं लगा रही हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी है इसकी, ग्रीन टी वाली फ्रेग्रेंस आती है। तो ये था मेरा रिव्यू, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।